18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही सीएम योगी ने बड़ा खेल कर दिया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की गोलबंदी में बड़ी सेंध लगा दी है। न सिर्फ शिवपाल और राजभर को अपने पाले में किया, बल्कि राजा भैया और बीएसपी नेता उमा शंकर सिंह को मुर्मू के पक्ष में वोट डालने के लिए मना लिया, जिसके बाद अब एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को यूपी में जनतांत्रिक गठबंधन के साथ बीएसपी और सुहेलदेव समाज पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। वहीं इस समर्थन का औपचारिक ऐलान भी हो गया। तीनों ही नेताओं ने मुर्मू के पक्ष में वोट देने के लिए हामी भर दी है। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं। और शिवपाल जी राजभर भी थे जी, हाँ वो भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्जन लीजिए। जनसत्ता दल पूरी तरीके से बता दें कि बीते शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची थी, जहां पर उनके सम्मान में सीएम आवास पर डिनर का आयोजन किया गया था। इसमें विपक्ष से ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव शामिल हुए। इन दोनों के अलावा राजा भैया और बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह भी इस डिनर पार्टी में शामिल हुए। और इसी दौरान सीएम योगी ने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को मुर्मू के पक्ष में वोट डालने के लिए मना लिया। मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा, द्रौपदी जी ने मतलब हम द्रौपदी मुर्मू जी तो फिर अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया तो मैं गया और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। उधर अखिलेश यादव ने बीते दिन विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए वोट की अपील की। हालांकि अखिलेश की इस अपील का कोई खास फायदा यशवंत सिन्हा को मिलता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल इन चारों का समर्थन मुर्मू को मिलने से विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया है, जिसके बाद ये चुनावी अखाड़ा और भी दिलचस्प बन गया है। खैर, अब देखना ये होगा कि विपक्ष के बिखराव से राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है।